स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अपनी मांगों को लेकर किसान का संसद मार्च, दो दिन से घर में बेहोश पड़ी थी महिला। बिहार सिपाही भर्ती में बड़ा घोटाला, 98% सिपाही निकले फर्जी। पीएम मोदी की सभा में नहीं जुटी भीड़, 35 मिनट में सिमट गया पूरा कार्यक्रम। बाबा रामदेव रांची में फूड पार्क की नहीं कर पाए शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, देश भर के हजारों किसान अलग अलग जगहों से मार्च करते हुए रामलीला मैदान से संसद की ओर मार्च शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसानों को कर्ज मुक्त बनाने और फसल की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन के तहत किसान दिल्ली में एकत्रित हुए। किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पंचकुला सेक्टर 14 के एक मकान में रहने वाली एक महिला घर में बेहोशी की हालत में मिली। इस मकान में रहने वाली महिला का नाम भारती बताया जा रहा है, जो एक स्कूल में अध्यापिका है। पुलिस को आसपास के लोगों ने सूचना दी कि दो दिन से महिला घर के अंदर बंद है और बाहर नहीं निकली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पटना बिहार में सिपाही भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बहाली के बाद 98% सिपाही फर्जी निकले। इस मामले में कुल 219 लोगों पर गाज गिरी, सभी की नौकरी समाप्त कर दी गई है। जबलपुर जिले में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी की आखिरी सभा थी। बीजेपी का दावा था कि इस सभा में लगभग 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन इस भीड़ की तादाद महज 40,000 में सिमट कर रह गई, जिसके चलते प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी केवल 35 मिनट से सिमट गया। रांची राजधानी में भूमि पूजन के बाद भी फूड पार्क नहीं बन पाया, लेकिन बाबा रामदेव जल्द ही आचार्य पुलम का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी जानकारी बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार को चेंबर भवन में दी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।